केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह समर्थित पार्षद हैं अजय जांगड़ा। प्रधान को लेकर लंबे समय से चल रही थी जद्दोजहद। औद्योगिक क्षेत्र धारूहेड़ा नगरपालिका के उप प्रधान चुनाव में वार्ड नंबर 5 के पार्षद अजय उर्फ सत्यनारायण को साथ ही पार्षदों ने निर्विरोध उप प्रधान चुन लिया है। चुनाव के दौरान वार्ड नंबर 1 से पार्षद सुमित राम मुकदम गैर हाजिर रही, जबकि 16 पार्षदों ने अजय पर विश्वास जताते हुए उन्हें अपना प्रधान चुना। चुनावी प्रक्रिया के दौरान रेवाड़ी के SDM रविंद्र यादव मौजूद रहे। आज धारवाड़ा नगर पालिका का वाइस चेयरमैन का चुनाव हुआ और सर्वसम्मति से हुआ, ये बहुत अच्छी बात है। और भाई सत्यनारायण उर्फ अजय जांगड़ा इसमें निर्वाचित हुए हैं, चुनाव जीते हैं और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं और माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी का इन पर आशीर्वाद है और उन्हीं के समर्थन से आज ये वाइस चेयरमैन बने हैं। तो मैं सबसे पहले तो सभी भाई अजय को और सभी पार्षदों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने ये चुनाव सर्वसम्मति से जीता है। कई दिनों से जो विकास कार्य रुके पड़े थे कहीं ना कहीं गति मिलेगी। ये भी ठीक है कि काफ़ी दिन से शपथ नहीं हुई थी और जो धारवाड़ा नगर पालिका के जो विकास कार्य रुके हुए थे, अब मुझे विश्वास है कि वाइस चेयरमैन के चुनाव के बाद नगर पालिका में जितने भी काम रुके हो हम गति पकड़ेंगे और विकास की गति तेज हो। और क्या कुछ नई योजना है यहाँ पर, क्योंकि औद्योगिक कस्बा है धारवाड़ा? देखो, जो भी हमने जिस दिन शपथ दिलवाई थी उस दिन भी हमने कहा था कि भी सभी जो पार्षद हैं सभी मिलकर के काम करें और आपस में अपना मनमुटाव ना रखें। तो हम धारवाड़ा के विकास के लिए जो भी हमारी तरफ से कोई मदद होगी पूरी मदद करेंगे और विकास की दृष्टि से धारवाड़ा का पीछा नहीं रहने देंगे। हमने इनको उस दिन भी आश्वस्त किया था, आज भी आश्वस्त करते हैं। ओके, बिल्कुल निर्विरोध चुने गए, ये बहुत अच्छी बात है। मैं इसके लिए इनको बधाई देता हूँ कि सब लोगों ने एक राय बनाकर एक ही कैंडिडेट को चुना है। तो आपस में आगे भी मेरे ख्याल से इनका समन्वय अच्छा रहेगा।